अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का साइंस ग्रुप का मैथ्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमें यूनिट नंबर 12 पढ़ना है, जिसका टॉपिक लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल्स बाइसेक्टर है। तो स्टूडेंट्स, यूनिट को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मौसूल हो सके। तो स्टूडेंट्स, लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर को हम स्टार्ट करते हैं। आप इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। इन दिस यूनिट वी विल प्रूव थ्योरम्स एंड देयर कन्वर्ट्स। आपने देखा कि आप इस यूनिट के अंदर कुछ थ्योरम्स को और उनके कन्वर्ट्स को प्रूव करेंगे। इफ एनी अबाउट राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट एंड बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। But before that, we will be useful to recall the following definitions. तो इसके लिए स्टूडेंट्स, आपको कुछ डेफिनेशंस को पढ़ना होगा। सबसे पहले आप एक डेफिनेशन पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपने इसको मार्क कर लेना है। इसका सवाल बनेगा, डिफाइन राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ऐसे आप इसका क्वेश्चन बनाएंगे। तो आंसर सुनिएगा, अ लाइन एल is called right bisector of line segment if L is perpendicular to the line segment and pass through the mid pass to its midpoint। जैसे कि आपने सुना, आप एक लाइन L को right bisector कह सकते हैं अगर वो लाइन पर perpendicular हो और लाइन के दरमियान से गुजरे। दोबारा सुनेगा, एक लाइन को, एक लाइन L को आप राइट बाइसेक्टर बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट का अगर वो लाइन पर परपेंडिकुलर हो और लाइन के दरमियान से गुजरे। इसको आप कह सकते हैं राइट बाइसेक्टर। आइए दूसरी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, दूसरी डेफिनेशन है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बोल के बताता हूँ, आप वो लिख लीजिएगा। यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है वो भी आसान है, मगर जो डेफिनेशन मैं आपको बताने लगा हूँ वो याद करने में ज़्यादा आसान होगी आपको। तो आइए उस डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। अ रे विच बाइसेक्ट एन एंगल इंटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। जैसे कि मैंने कहा कि ये डेफिनेशन मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जो बुक में अवेलेबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आप इसको लिख लीजिएगा, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अरे विच डिवाइड एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो स्टूडेंट्स, आपने सुना बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या है, कि एक रे जो किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है उसको आप बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इसको बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल भी बोल सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं। आइए वो डेफिनेशन पढ़ते हैं जो बुक पे लिखी है। स्टूडेंट्स, आपको वही डेफिनेशन लर्न करनी है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई। अरे बी पी इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी इफ पी इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एंड एंगल ए बी पी एंड एंगल पी बी सी आर इक्वल। तो ये स्टूडेंट्स, बुक पर आपको डेफिनेशन अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमें थ्योरम को स्टार्ट करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस चैप्टर में हमने थ्योरम्स को डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, थ्योरम्स को समझने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, आइए पहले उन्हें डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, थ्योरम बोर्ड के अंदर थ्योरम जो है, थ्योरम का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर बोर्ड के बोर्ड में थ्योरम का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 होता है। सुनिएगा मेरी बात को, बोर्ड के एग्जाम के अंदर थ्योरम का जो क्वेश्चन होगा वो 9 होगा। और स्टूडेंट्स, ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है। क्या क्वेश्चन होता है? कंपलसरी, यानी लाजमी हल करना होता है, लाजमी होता है। और स्टूडेंट्स, इसके मार्क्स जो हैं वो 8 होंगे। एक थ्योरम के कितने मार्क्स होंगे? 8 मार्क्स होंगे। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपको पेपर में जस्ट स्टेटमेंट गिवन होगी,
स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम गिवन होगी, स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम इज गिवन टू यू इन एग्जाम. जैसे कि आपने देखा स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम इज गिवन टू यू इन एग्जाम. थ्योरम की स्टेटमेंट आपको पेपर के अंदर गिवन होगी एंड यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू सॉल्व द होल थ्योरम. आपको पूरे थ्योरम को प्रूव करना होगा या उसको सॉल्व करना होगा. तो स्टूडेंट सबसे पहले थ्योरम में जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो इसकी है डायग्राम. थ्योरम के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डायग्राम. स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले डायग्राम बनानी होती है. डायग्राम की बेस पर आपको सारा थ्योरम लिखना होता है. स्टूडेंट्स ये कोई रट्टा नहीं है कि ये याद नहीं होता, ये समझा जाता है. अगर आप इसको समझ लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको याद करना और जो रट्टा लगाना जो आपके दिमाग के अंदर एक इमेज सा बन चुका है कि इसको आपने याद नहीं किया फलां फलां ऐसे वैसे, तो इससे आपकी जान छूट जाएगी. सबसे पहले है इसका डायग्राम. सेकंड नंबर पे स्टूडेंट्स वो इसका गिवन होगा. स्टूडेंट्स गिवन जो है वो थ्योरम की स्टेटमेंट से हमें पिक करना होता है. थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर ही गिवन होता है, थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर ही प्रूफ होता है. तो इसका जो सेकंड वर्क है वो गिवन है. इसके बाद जो थर्ड थिंग है वो स्टूडेंट्स टू प्रूफ है. फर्स्ट मैंने बताया इसमें ज़रूरी चीज़ जो है वो डायग्राम है. सेकंड मैंने बताया गिवन है. थर्ड मैंने बताया टू प्रूफ. टू प्रूफ का मतलब क्या है, आप इसमें क्या प्रूफ करना चाहते हैं वो इसके अंदर टू प्रूफ होगा. अब थ्योरम को में थोड़ी आसानी पैदा करने के लिए आप एक और चीज़ परफॉर्म करते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन ये स्टूडेंट्स इसके अंदर होगा. जैसे कि मैंने बताया थ्योरम में आसानी पैदा करने के लिए आप कंस्ट्रक्शन करते हैं. याद रखिएगा स्टूडेंट्स आठ नंबर का ये, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया एट मार्क का थ्योरम का क्वेश्चन होगा, एट मार्क का. इसमें एक मार्क जो है वो डायग्राम का होगा, वन मार्क डायग्राम का होगा, वन मार्क गिवन का होगा, वन मार्क टू प्रूफ का होगा, वन मार्क कंस्ट्रक्शन का होगा. इस तरह स्टूडेंट्स ये चार मार्क बन गए, एक डायग्राम का, एक गिवन का, एक प्रूफ का, एक कंस्ट्रक्शन का. अब स्टूडेंट्स इसके बाद आपके पास पांचवी चीज आती है प्रूफ. पांचवी चीज आपके पास क्या आएगी, प्रूफ. और स्टूडेंट्स इस प्रूफ के दो सेगमेंट होंगे, इसके दो सेगमेंट होंगे. द फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट एंड द सेकेंड वन इज रीजन. आपने देखा प्रूफ के दो सेगमेंट होंगे, एक स्टेटमेंट और एक रीजन. और स्टूडेंट इसके सारे यानी प्रूफ के सारे के टोटल मार्क्स फोर होंगे, फोर मार्क्स होंगे. आप देख रहे हैं मैंने आपकी मार्क्स को, आप देख रहे हैं मैंने मार्क्स की डिवीजन भी आपको करके दिखा दी कि कितने कितने नंबर के कौन कौन से सेगमेंट होंगे. तो स्टूडेंट बोर्ड के अंदर एक नंबर डायग्राम का होगा, एक गिवन का होगा, एक प्रूफ का होगा, एक कंस्ट्रक्शन का होगा और चार नंबर जो हैं प्रूफ के होंगे. आपके जहन में सवाल हो अगर आपको थ्योरम ना आता हो आप सिर्फ डायग्राम बना दे तो क्या एक नंबर मिलेगा. स्टूडेंट्स नंबर आपको तब मिलेंगे जब आप डायग्राम भी बनाएंगे, गिवन भी लिखेंगे, प्रूफ भी लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे, तभी आपको नंबर मिलेंगे. और आप ये ख्याल करें कि आप एक नंबर के लिए जस्ट डायग्राम बना दें तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, तो मैं समझता हूँ ये आपकी खाम ख्याली है, ऐसा बोर्ड में नहीं होगा. तो स्टूडेंट्स मैंने मार्क्स की डिवीजन भी आपको थ्योरम की समझा दी, आपको समझ आ गया कि सबसे पहले आपको इसकी डायग्राम बनानी होती है, फिर प्रूफ, फिर गिवन लिखना है, फिर टू प्रूफ लिखना है, फिर कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद प्रूफ की टर्न आ जाती है. और प्रूफ में मैंने बताया कि इसके दो सेगमेंट्स हैं, एक इसका स्टेटमेंट और एक इसका रीज़न. तो स्टूडेंट्स मैंने जैसे आपको बता दिया, एक चीज़ इसमें आपको बताना और ज़रूरी है वो ये कि आपने दो वर्ड यूज़ करने हैं, एक वर्ड यूज करना है उसका नाम है कॉन्गोरेंट.
क्या नाम है, कॉन्गोरेंट। आप इसको लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। कॉन्गोरेंट को सिंबॉलिकली हम ऐसे लिखते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं। याद रखिएगा ये जो वर्ड कॉन्गोरेंट है ये अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, यानी आप इसको कह सकते हैं तकरीबन बराबर, तकरीबन बराबर। याद रखिएगा मैंने आपको बताया कि ये जो कॉन्गोरेंट है ये इक्वल नहीं होता, ये क्या होता है अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, तकरीबन बराबर। तकरीबन बराबर का होता है इसमें थोड़ी बहुत कमी होती है, कमी बेशी होती है, या ये कम होता है या ये ज़्यादा होता है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, जैसे आप 1.99 को कह सकते हैं कि वो कॉन्गोरेंट है 2 के। देखिएगा 1.99 को आप कॉन्गोरेंट कंसिडर कर सकते हैं 2 के, मगर याद रखिएगा 1.99 इज नॉट इक्वल टू 2। 1.99 2 के इक्वल नहीं है, ये 2 के क्या है, कॉन्गोरेंट है। आपको इसकी समझ होनी चाहिए कि कॉन्गोरेंट जो है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप दो साइडें बनाते हैं ट्राइंगल्स की और आप कहते हैं कि फर्स्ट साइड और सेकेंड साइड आपस में क्या है, कॉन्गोरेंट है। उसकी क्या वजह, इसकी लेंथ आपके पास नहीं है, ठीक है, इसकी लेंथ आपके पास नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ वो आपस में क्या है, कॉन्गोरेंट है। ये इक्वल नहीं होगी स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए ये कॉन्गोरेंट होगी। कॉन्गोरेंट आप समझते हैं अप्रोक्सीमेट इक्वल, तकरीबन बराबर। तो आइए स्टूडेंट्स हम थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। बहुत ही आसान थ्योरम है, नंबर ऑफ टाइम यूनिट थ्योरम नंबर 1 जो है वो पेपर में आ चुका है। आप उसको अच्छे तरीके से समझिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको इसकी अच्छी समझ आ जाएगी। और स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें वो पास्टुलेट यूज़ होंगे जो हमने यूनिट नंबर 10 के अंदर पढ़े थे। तो आइए थ्योरम की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, जैसे कि आप बुक में देख रहे हैं। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। तो आइए स्टूडेंट्स थ्योरम को स्टार्ट करते हैं, बाकायदा तौर पे स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं थ्योरम नंबर 1 है, थ्योरम नंबर 1 इसकी स्टेटमेंट है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट लिख ली, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। तो स्टूडेंट्स आइए इसकी सबसे पहले डायग्राम को बनाएंगे। जैसे कि आपने सुना कि एक लाइन सेगमेंट है, एक क्या है, लाइन सेगमेंट। तो आपने एक लाइन लगा दी जिसका नाम आपने रख दिया ए बी। स्टूडेंट्स आपने ये जो लाइन लगाई है इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन लगाने को लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स अब आपको मेरी बात सुनना है, आपने बाइसेक्टर बनाना है और राइट बाइसेक्टर बनाना है। तो आइए स्टूडेंट्स मैं आपको बाइसेक्टर की टाइप्स जो है वो समझाता हूँ ताकि आपको बाइसेक्टर की टाइप्स की समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स मैं आपके सामने हमारी डेली लाइफ से एग्जाम्पल जो लेने लगा हूँ, जो आप अपनी डेली लाइफ में नंबर ऑफ टाइम जो है वो करते आए हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपके सामने ब्रेड के स्लाइस ड्रॉ करने लगा हूँ। आप देखिएगा मैंने आपसे कहा कि हम अपनी डेली लाइफ रूटीन के अंदर भी मैथ्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने
चार स्लाइस ऑफ ब्रेड ड्रॉ कर दी हैं। स्लाइस ऑफ ब्रेड मैंने क्यों ड्रॉ किए, आखिर उसकी वजह क्या है, आइए उसको सीखते हैं। स्टूडेंट्स, आपने आपके पास ये चार फोर स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। आप इसको अपनी डेली लाइफ डेली रूटीन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और स्टूडेंट्स, आपने अक्सर देखा है कि बाज़ औक़ात आप स्लाइस का हाफ ऐसे करते हैं, यानी इसको इस पे आप कोई भी मटेरियल लगा के, हाँ वो जैम हो हाँ वो बटर हो, आप उसको लगा के इस तरह रोल करते हैं, इस तरह हाफ करते हैं जैसे मैंने आपके सामने किया। स्टूडेंट्स, ज़हन में रखिएगा ये आप बाई सेक्टर बना रहे हैं, एक में या आप ऐसे स्लाइस का बाई सेक्टर बना सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, दोनों में से आप कोई एक डिज़ाइन बनाते हैं, या तो आप ये बनाते हैं या ये बनाते हैं, या आप बाई सेक्टर बना रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, आप जो आम रूटीन के अंदर बनाते हैं ब्रेड के स्लाइस का बाई सेक्टर, वो ऐसे होगा। इसके बाद जो लास्ट वन डायग्राम है वो आप इसको ऐसे बाई सेक्टर बनाते हैं। मैंने आपको कहा कि ये मैंने आपके सामने चार स्लाइस ऑफ ब्रेड जो है वो ड्रॉ की हैं, उसको मैंने आपको बाई सेक्ट करके दिखाया। तो स्टूडेंट्स, आप देखिएगा ये भी बाई सेक्टर है, ये भी बाई सेक्ट किया गया है, ये भी बाई सेक्टर है, ये भी बाई सेक्टर है। अगर आप देखें तो ये राइट बाई सेक्टर है। राइट का मतलब स्टूडेंट्स सीधा, दरमियान से बाई सेक्टर बनाया गया। आप देख रहे हैं ये भी बाई सेक्टर है, ये भी बाई सेक्टर है, ये भी बाई सेक्टर है, मगर ये राइट बाई सेक्टर है। आपको पता है राइट के तीन मीनिंग्स होते हैं इंग्लिश के अंदर। राइट का मतलब होता है दायां, राइट का मतलब होता है सीधा, राइट का मतलब होता है हक। तो स्टूडेंट्स, हमें राइट बाई सेक्टर चाहिए, यानी सीधा बाई सेक्टर हमें चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये एक सीधा बाई सेक्टर है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाना चाह रहा था कि थ्योरम की स्टेटमेंट जो आपको राइट बाई सेक्टर गिवन है, उसका मतलब होगा कि आपने इन तीनों को ड्रॉ नहीं करना, ये तीनों आपने नहीं बनाने, आपने ये बाई सेक्टर जो है वो ड्रॉ करना है। और ये स्टूडेंट्स, मैंने आपको डेली रूटीन से, हमारी डेली रूटीन से एक एग्जांपल ली, जिसमें आपने चार ब्रेड के स्लाइस लिए, उसके आपने बाई सेक्टर बनाए और उसमें देखा कि इसमें राइट बाई सेक्टर कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, आइए थ्योरम पर वापस चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसमें अब आपने क्या करना है, एक राइट बाइसेक्टर बनाना है। आपने क्या बना दिया है, राइट बाइसेक्टर। क्या बनाया है स्टूडेंट्स, राइट बाइसेक्टर। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सीधा भी है, राइट भी है और बाइसेक्ट भी करता है। बाइसेक्ट का मतलब डिवाइड अ थिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स। आप देख रहे हैं इस बाइसेक्टर का नाम हम रखेंगे एल एम। बाइसेक्टर का आपने क्या नाम रखा, एल एम। और वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट सी पर। दोबारा देखिएगा, राइट बाइसेक्टर का नाम है एल एम और वो ए बी को पॉइंट सी पे बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया कि वो ए बी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जिसका नाम, फर्स्ट हाफ का नाम ए सी है और सेकंड हाफ का नाम बी सी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपने क्या किया, ए एल एम बाइसेक्टर बनाया ए बी पर और उसने ए बी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट का नाम ए सी और सेकेंड का नाम बी सी। स्टूडेंट्स, आप इसको ए सी और सी बी भी कह सकते हैं। ए सी और बी सी बोलने में आसान लगता है, इसलिए मैंने आपके सामने ए सी और बी सी बोला। आपको याद रखना है कि ये कॉन्गोरेंट है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि हम इसको इक्वल क्यों नहीं कह सकते। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था इक्वल तब होता है जब आप किसी भी चीज़ को मेजर करके हाफ करें। आपको एक मिसाल देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मसलन आपके पास एक लाइन है, ये देखिए मैंने आपके सामने एक लाइन ड्रॉ कर दी। आप इसको स्केल के साथ मेजर करते हैं एंड यू फाउंड इट दिस इज 4 सेंटीमीटर।
लेंथ ऑफ दिस लाइन इज 4 सेंटीमीटर और आपने फाइंड किया आपने कि ये लेंथ जो है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर. अब स्टूडेंट्स आपने लेंथ को क्या कर लिया, मेजर कर लिया. अब आपने इसको क्या करना है, हाफ करना है. तो 4 सेंटीमीटर का हाफ क्या होगा, 2 सेंटीमीटर. आप मेजर करेंगे 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर इसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे. तो ये हाफ करना स्टूडेंट्स इक्वल है, ये जो पार्ट्स बनेंगे, ये जो पार्ट्स आपका फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ बनेगा, दीज हाफ्स आर इक्वल. उसकी वजह क्या है कि आपने दोनों साइडों को यानी पूरी लेंथ को मेजर किया, उसके बाद इसका हाफ फाइंड किया. तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 4 सेंटीमीटर था, इसका आपने हाफ फाइंड किया वो 2 सेंटीमीटर आ गया. अब दोनों हाफ, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, दीज हाफ आर इक्वल टू ईच अदर. तो स्टूडेंट्स आपने सुना कि अगर आप किसी भी लेंथ को इक्वल करके हाफ करते हैं, अगर आप किसी भी लेंथ को मेजर करके हाफ करते हैं तो वो क्या होगा, इक्वल मेजर करके हाफ करते हैं तो वो उसके दोनों हाफ आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि आपने ए सी लाइन को मेजर नहीं किया, आपने अंदाजे से इसको हाफ किया है, अंदाजे से इसका राइट बाइसेक्टर बनाया है. तो इसका फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ यानी ए सी और बी सी क्या होंगे, कॉन्कोरेंट होंगे, इक्वल नहीं होंगे, कॉन्कोरेंट होंगे, इक्वल नहीं होंगे. उसके बाद आपने पढ़ा एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट. अब आपने स्टूडेंट्स राइट बाइसेक्टर, ये आपका एल एम राइट बाइसेक्टर है, एल एम राइट बाइसेक्टर है. इस पर आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं. आप यहाँ पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ 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 यहाँ, नीचे भी इस तरह कहीं भी ले सकते हैं. तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं पी. यहाँ आपने एक पॉइंट ले लिया पी. ये आपने पॉइंट पी क्यों लिया, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर पे आपने एक पॉइंट लेना है. जैसे कि मैंने पी पॉइंट ले लिया है, ऑफ द लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, जो अपने एंड पॉइंट से क्या होगा, इक्वल होगा. तो स्टूडेंट्स आपने डायग्राम आदि बना ली, जितनी आपने डायग्राम बनाई है इससे हम गिवन फाइंड करते हैं. आइए हम सबसे पहले गिवन फाइंड करते हैं. तो स्टूडेंट्स आपने ब्लू मार्कर के साथ इसकी हेडिंग देनी है गिवन की, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं आपके सामने लिख रहा हूँ गिवन, आपने लिखना है गिवन क्या है. जैसे कि आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ये लाइन एल एम, आप देख रहे हैं एल एम जो है, आप यहाँ पे लिखेंगे लाइन एल एम इंटरसेक्ट लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट सी सच दैट एल एम इज परपेंडिकुलर ए बी एंड ए सी इज कॉन्गोरेंट टू बी सी. स्टूडेंट्स आपको मेरी बात को सुनना है, समझना है, बहुत ही आसान काम मैं आपके सामने बताने लगा, आपको इंशाल्लाह जल्दी इसकी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला. तो आइए बगैर किसी इंतज़ार के समझते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं आपने क्या लिखा है, आपने बोला अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट सी. दोबारा सुनिएगा ताकि आपको समझ आ जाए. अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट सी सच दैट एल एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी. स्टूडेंट्स ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसको आप परपेंडिकुलर बोलेंगे. आप इसको परपेंडिकुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने राइट बाइसेक्टर बनाया है. कौन सा बाइसेक्टर बनाया है, राइट बाइसेक्टर. और राइट सीधी लाइन होती है और सीधी लाइन कौन सी होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की. तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट सी सच दैट एल एम
इज परपेंडिकुलर टू ए बी. जैसे आपने इसका बाइसेक्टर बनाया तो दो हिस्से बन गए ए सी एंड बी सी. सच दैट एल एम इज परपेंडिकुलर ए बी एंड ए सी इज कॉन्गोरेंट टू बी सी. तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि जो ही आपने राइट बाइसेक्टर बनाया तो लाइन सेगमेंट ए बी के दो पार्ट्स बन गए ए सी और बी सी. उसके बाद आपने, आपको याद है कि पॉइंट पी लिया है. अगर आप देखें तो आपने एल एम पर एक पॉइंट लिया है पी. तो स्टूडेंट्स आप इसको भी लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे पी इज अ पॉइंट ऑन एल एम. पी इज अ पॉइंट ऑन एल एम. अब स्टूडेंट्स अब आपको इसका गिवन क्या हो गया, अ लाइन सेगमेंट ए, अ लाइन सेगमेंट एल एम इज इंटरसेक्ट, अ लाइन सेगमेंट एल एम इंटरसेक्ट लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट, एट पॉइंट सी सच दैट एल एम इज परपेंडिकुलर ए बी. जैसे कि आप देख रहे हैं एल एम इज परपेंडिकुलर ए बी एंड ए सी इज कॉन्गोरेंट टू बी सी. उसके बाद आपने बोला पी इज एनी पॉइंट ऑन एल एम. ये स्टूडेंट्स आपको गिवन हो गया. आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको गिवन के बारे में समझा दिया. अब प्रूव आपको क्या करना, प्रूव अगर आप स्टेटमेंट को देखें, मैं स्टेटमेंट आपको दोबारा दिखाता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए. स्टेटमेंट सुनिएगा, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट. अब बाइसेक्टर पे जो पॉइंट है वो आपने बताना वो अपने एंड पॉइंट से इक्वल होगा. तो स्टूडेंट्स इसके एंड पॉइंट कौन से बनेंगे, आइए एंड पॉइंट ड्रॉ करते हैं. आप देख रहे हैं पी से ए तक एक एंड पॉइंट बनेगा और पी से बी तक एक एंड पॉइंट बनेगा. जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं पी से ए तक एंड पॉइंट बनेगा और पी से बी तक एंड पॉइंट बनेगा. इसका मतलब पी ए कॉन्गोरेंट होना चाहिए पी बी के. ये स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ड स्टेटमेंट के अंदर यूज किया गया है इक्वी डिस्टेंस. इस इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल इन डिस्टेंस. इक्वी डिस्टेंस का क्या मतलब होगा, इक्वल इन डिस्टेंस. इसका मतलब हो गया स्टूडेंट्स पी ए का डिस्टेंस और पी बी का डिस्टेंस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा. जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि दोनों का डिस्टेंस हमारे पास गिवन नहीं है तो हम इन्हें इक्वल की बजाय कॉन्गोरेंट बोलेंगे. तो आइए इसको लिखेंगे. प्रूव आपको क्या करना है, टू प्रूव. तो स्टूडेंट्स आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको करना है पी ए इज कॉन्गोरेंट टू पी बी. आपको क्या प्रूफ करना है, पी ए इज कॉन्गोरेंट टू पी बी, ये आपको प्रूफ करना है. तो स्टूडेंट्स इसमें जैसे कि आपने देखा गिवन हमने लिखा, प्रूव लिखा, उसके बाद टर्न है कंस्ट्रक्शन की. कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्शन वो स्टेप होता है जो आप थ्योरम में अपने लिए आसानी पैदा करने के लिए परफॉर्म करते हैं. तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे जॉइन पी टू ए एंड बी. आप क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, क्या लिखेंगे जॉइन पी टू ए एंड बी. आप P को A से और P को B से ज्वाइन कर देंगे, ये हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे. तो आइए स्टूडेंट्स लिखते हैं ज्वाइन P टू A एंड B. ये आपने P को A से और B से ज्वाइन कर दिया. जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था थ्योरम आपको 8 नंबर का आएगा और ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा. और उसके बाद मैंने आपको मार्क्स की डिवीजन भी करके बताई थी कि एक नंबर डायग्राम का होगा, एक नंबर गिवन का होगा, एक नंबर प्रूफ का होगा और एक नंबर कंस्ट्रक्शन का होगा. स्टूडेंट्स इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इनका ऑर्डर, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका ऑर्डर. ऑर्डर मतलब सबसे पहले डायग्राम बननी चाहिए, दूसरे नंबर पे गिवन होना चाहिए, तीसरे नंबर पे प्रूव होना चाहिए, फोर्थ प्लेस पर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए. सपोज आप डायग्राम बनाते हैं और कंस्ट्रक्शन को पहला स्टेप लिख देते हैं,
गिवन को दूसरा स्टेप लिख देते हैं और प्रूफ को आप नेक्स्ट स्टेप लिख देते हैं, तो स्टूडेंट्स आपका थ्योरम गलत कंसीडर होगा। उसकी वजह क्या है? गिवन होगा तो आपको प्रूफ का पता चलेगा, प्रूफ होगा तो आपको कंस्ट्रक्शन का आइडिया होगा कि कंस्ट्रक्शन आपने क्या करनी है। इसलिए स्टूडेंट्स आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि किसी भी तरह से हमारा थ्योरम गलत ना हो पाए। सबसे पहले डायग्राम, फिर गिवन, फिर प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रूफ का। इसमें आपने प्रूफ करना है। जैसे कि आपको याद है प्रूफ के अंदर दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि इसके दो सेगमेंट होंगे। द फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट एंड द सेकेंड वन इज रीजंस। जैसे कि आपने सुना कि प्रूफ के दो सेगमेंट होंगे, आपने सुना फर्स्ट है आपके पास रीजन स्टेटमेंट और सेकेंड है रीजन। स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है कि आपने पहले स्टेटमेंट लिखना है, बाद में आपको रीजंस को लिखना है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको अब यहाँ पे बात को डिटेल डिस्कशन हमारी अब स्टार्ट होने हुआ चाहती है। जैसे कि आप देख रहे हैं पहले हमारी पूरी ट्राइंगल थी, पहले हमारी पूरी ट्राइंगल थी, आप पूरी ट्राइंगल का नाम था पी ए बी, पूरी ट्राइंगल का नाम था पी ए बी। आपने जो ही राइट बाइसेक्टर बनाया एल एम, उसने ट्राइंगल के दो हिस्से कर दिए। एक ट्राइंगल का नाम हमारे पास बन जाएगा ए सी पी, इधर वाली ट्राइंगल जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको शेड करके दिखाता हूं। और दूसरी ट्राइंगल हमारी होगी पी सी बी, आप इसको बी सी पी भी बोल सकते हैं, पी सी बी भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, मैं इन्हें आपको शेड करके दिखाता हूं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। तो आइए इन्हें शेड करते हैं। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल को शेड कर दिया है और एक ट्राइंगल को शेड नहीं किया। स्टूडेंट्स इसलिए शेड किया ताकि आप दोनों ट्राइंगल्स में फर्क आसानी से फाइंड कर सके। आप देख रहे हैं हमारी एक ट्राइंगल बनती है जिसका नाम है ए सी पी और दूसरी ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है हमारे पास बी सी पी। तो स्टूडेंट्स हम अपनी आसानी के लिए दोनों ट्राइंगल्स को सेपरेट करके बनाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सेपरेट करके बनाना ज़रूरी नहीं है, ये हम क्वेश्चन में आसानी पैदा करने के लिए इन्हें सेपरेट बनाने लगे हैं। तो आइए हम इन्हें सेपरेट बनाते हैं ताकि आपको समझ आ सके। स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने दो ट्राइंगल्स बना ड्रॉ कर ली, जैसे कि आप देख रहे हैं एक शेडेड पोर्शन है एक अनशेडेड पोर्शन है। तो जो शेडेड पोर्शन है उस ट्राइंगल का नाम होगा ए सी पी और जो नॉन शेडेड है उसको आप बोलेंगे बी सी पी। दो ट्राइंगल स्टूडेंट्स हमारे पास बनी है, एक का नाम ए सी पी है, दूसरी का नाम बी सी पी है। तो आपने देखा ये दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल हमने ड्रॉ की हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है? क्योंकि आपने राइट बाइसेक्टर बनाया था और जैसे कि आपने गिवन में बताया था कि एल एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एल एम जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी पर, तो इस तरह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दैट्स वाई ये स्टूडेंट्स जो है वो राइट ट्राइंगल्स दोनों ड्रॉ होंगी। आइए प्रूफ को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास प्रूफ है और उसके अंदर हम स्टेटमेंट और रीजन को डिस्कस करने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन के स्टार्ट में हम लिखेंगे दोनों ट्राइंगल्स के नाम इन ट्राइंगल ए सी पी करस्पोंडेंस ट्राइंगल बी सी पी। तो ये स्टूडेंट्स आपने दो ट्राइंगल ले ली, ट्राइंगल ए सी पी करस्पोंडेंस ट्राइंगल बी सी पी।
तो स्टूडेंट्स आपको जेहन में रखना है, आपको ट्राइंगल्स को प्रूव करने के लिए तीन चीज़ों को प्रूव करना है, ट्राइंगल्स को प्रूव करने के लिए तीन चीज़ों को प्रूव करना है स्टूडेंट्स। वो दो एंगल भी हो सकते हैं, एक साइड हो सकती है, दो साइड्स एक एंगल हो सकते हैं, तीनों साइड्स हो सकती हैं, एच एस पास्टुलेट भी हो सकता है। आपको याद है 10th यूनिट में आपने जितने भी पास्टुलेट पढ़े थे वो सब के सब हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम हमारे प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डायग्राम को देख रहे हैं, ये डायग्राम को देखना और समझना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको समझाने लगा हूँ, आपने क्या किया, आपके पास लाइन है ए बी, लाइन सेगमेंट का नाम क्या था, ए बी। आपने स्टूडेंट्स एल एम परपेंडिकुलर बायसेक्टर बनाया था, आपके पास लाइन क्या गिवन थी, ए बी, एल एम आपने परपेंडिकुलर या राइट बायसेक्टर बनाया था, उसने इस ए बी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पार्ट का नाम था ए सी और दूसरे पार्ट का नाम क्या था, बी सी। आपने सुना कि ए बी लाइन सेगमेंट को एल एम राइट बायसेक्टर ने दो पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी ए फर्स्ट हाफ का नाम हो गया ए सी और सेकेंड हाफ का नाम हो गया बी सी। आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर ए सी और सेकेंड ट्राइंगल के अंदर बी सी, ये दोनों आपस में कॉन्कोरेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स आप प्रूफ के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे कि पी सी, आप लिखेंगे ए सी इज कॉन्कोरेंट टू बी सी। जैसे कि आपने देखा कि ये गिवन था कि ए बी लाइन सेगमेंट है, उसको आपने एल एम से राइट बायसेक्टर बनाकर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो स्टूडेंट्स आपने ये सारा प्रोसीजर कहाँ किया, आप रीजन में लिख देंगे गिवन, ये सारा आपको गिवन था, आपने रीजन में गिवन लिख देना, पूरी स्टेटमेंट लिखनी कि आपने क्या 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 किया, जस्ट आप हवाला दे देंगे ये आपने किधर किया। जैसे पूरी गिवन स्टेटमेंट आपको याद है कि आपने एल एम जो था वो एक बायसेक्टर बनाया था जिसने ए बी लाइन को इंटरसेक्ट किया था पॉइंट सी पर, उसके बाद आपने सुना था कि ए सी और बी सी आपस में कॉन्कोरेंट थे। अब स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, हम दोबारा ड्राइंगल्स को देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपने एल एम जो है, एल एम है, एल एम जो है वो क्या बनाया है स्टूडेंट्स, वो आपने राइट बायसेक्टर बनाया। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले भी बताया था, जब ये राइट बायसेक्टर होगा तो ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि आपको पता है राइट एंगल जो है वो 90 का होता है और राइट बायसेक्टर भी 90 डिग्री का होगा। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमारे पास एंगल है, एंगल आपके पास बन रहा है एंगल ए सी पी, अगर आप देखें तो सी पे सीधा एंगल बना, सी पे कौन सा एंगल बना, सीधा, और सीधा एंगल आपको पता है कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। दोबारा एक दफ़ा देखें ताकि आपको समझ आ जाए, एंगल ए सी पी ये 90 डिग्री का है, और दूसरी ट्राइंगल को अगर आप देखें एंगल बी सी पी, आप देख रहे हैं इसमें भी सी पे सीधा एंगल बना है और ये भी 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब एंगल ए सी पी भी 90 डिग्री का और एंगल बी सी पी भी 90 डिग्री का, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स में जो एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। तो आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स आप सेकेंड पॉइंट लिखेंगे एंगल ए सी पी, वो कॉन्गोरेंट होगा एंगल बी सी पी के, एंगल ए सी पी किसके कॉन्गोरेंट होगा, एंगल बी सी पी। आप इसकी रीजन लिखेंगे ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री। स्टूडेंट्स आप ये भी लिख सकते हैं ईच एंगल इज राइट एंगल। अब जेन में रखिएगा आपने इसकी यही स्टेटमेंट जो है वो लिखनी है, बुक पर कुछ और लिखी गई है, आप इसकी ये स्टेटमेंट लिखिएगा, ये ज़्यादा आसानी से आपको स्टूडेंट्स समझ आ जाएंगे। आपने देखा आपने एक साइड और एक एंगल प्रूफ कर लिया। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि तीन चीज़ें प्रूफ आपको करनी है ट्राइंगल्स को कॉन्गोरेंट करने के लिए बाय एनी पास्टुलेट। आप जितने भी पास्टुलेट पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 10 में, उसमें आपने तीन चीज़ें ही प्रूफ की थी। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं आपने एक साइड और एक एंगल प्रूफ कर दिया है, आइए हम देखते हैं और क्या मजीद चीज़ हम प्रूफ कर सकते हैं, साइड प्रूफ कर सकते हैं या एंगल प्रूफ कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दो ट्राइंगल्स हैं
आप देख रहे हैं ट्राइंगल्स आपके पास कितनी हैं, दो ट्राइंगल्स हैं। दोनों ट्राइंगल में एक साइड ऐसी है जो दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन है। अगर आप देखें तो PC ऐसी साइड है जो दोनों ट्राइंगल्स में है कॉमन। आपने देखा PC दोनों ट्राइंगल की सेंटर वाली लाइन थी, जो ही आपने इसको सेपरेट किया वो फर्स्ट ट्राइंगल को भी शेयर हो गई और सेकंड ट्राइंगल को भी शेयर हो गई। जैसे कि स्टूडेंट्स आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि PC फर्स्ट ट्राइंगल की भी साइड है और PC सेकंड ट्राइंगल की भी साइड है। तो आप देख रहे हैं कि PC दोनों ट्राइंगल्स के अंदर अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि साइड PC फर्स्ट ट्राइंगल का PC ट्राइंगल ACP के अंदर PC भी अवेलेबल है और वो कॉन्गोरेंट है ट्राइंगल BCP के अंदर जो मौजूद PC है वो इसके। आप देखिए PC और PC दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या है कॉमन। स्टूडेंट्स दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या है कॉमन। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपको तीन चीज़ें प्रूफ करनी है, वो तीनों साइड्स भी हो सकते हैं, वो दो साइड एक एंगल भी हो सकता है, वो दो एंगल एक साइड भी हो सकता है, वो एच एस पास्टुलेट भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने इसके अंदर तीन चीज़ें प्रूफ कर ली, आपने दो साइड और एक एंगल प्रूफ किया। आप देख रहे हैं AC और BC साइड है, एंगल ACP और एंगल BCP एंगल्स है और PC इसके अंदर साइड है। नाउ अब आप यहाँ पे सिंबल बनाएंगे, देयरफोर आपने इस सिंबल को ध्यान से देखना है। ये आप देयरफोर का सिंबल बनाएंगे, मार्कर से सिंबल लिखेंगे देयरफोर। आप यहाँ पे लिखेंगे देयरफोर ट्राइंगल ट्राइंगल ACP इज कॉन्गोरेंट टू ट्राइंगल BCP। सुन आपने देखा कि हमने तीन चीज़ों को प्रूफ कर दिया था, साइड एंगल साइड को प्रूफ कर दिया था। जैसे मैंने आपसे कहा था अगर आप तीन चीज़ें किसी भी दो ट्राइंगल्स में प्रूफ कर लेंगे तो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्गोरेंट हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले क्या फाइंड किया था साइड, उसके बाद आपने क्या फाइंड किया एंगल, उसके बाद आपने क्या फाइंड किया साइड। तो स्टूडेंट्स आप इसके सामने लिखेंगे साइड एंगल साइड पास्टुलेट। आपको याद है 10th यूनिट में हमने पास्टुलेट पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था इन एनी करस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ वन एंगल एंड एनी टू साइड ऑफ वन ट्राइंगल्स आर कॉन्गोनेंट टू द करस्पोंडिंग एंगल एंड साइड देन ट्राइंगल्स आर कॉन्गोनेंट। ये स्टूडेंट्स मैंने SAS पास्टुलेट की डेफिनेशन आपको समझा दी कि अगर आप एक ट्राइंगल में एक एंगल और दो साइड दूसरी ट्राइंगल के वही एंगल और करस्पोंडिंग साइड को कॉन्गोनेंट प्रूव कर देते हैं तो ट्राइंगल्स आर कॉन्गोनेंट। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हमने दो साइड्स और एक एंगल को करस्पोंडिंग दो साइड्स और एंगल के प्रूफ कर दिया है। नाउ यू कैन से दैट ट्राइंगल ACP इज कॉन्गोनेंट टू ट्राइंगल BCP और इसकी रीजन आप क्या लिख रहे हैं SAS पास्टुलेट। स्टूडेंट्स जब ट्राइंगल्स आपस में कॉन्गोनेंट हो गई यू कैन से दैट ईच एंड एवरीथिंग इज कॉन्गोनेंट टू ईच अदर। आप कह सकते हैं जब ट्राइंगल्स आपस में कॉन्गोनेंट हो जाती है तो ईच एंड एवरीथिंग के कॉन्गोनेंट हो गई। तो आपको प्रूफ करना था, जैसे कि आपको याद है कि आपको प्रूफ करना था कि PA इज कॉन्गोनेंट टू PB। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्गोनेंट हो गई है, AC BC के कॉन्गोनेंट हो गया, PC के कॉन्गोनेंट हो गया, तो PA किसके कॉन्गोनेंट हो जाएगा PB के। एक दफ़ा दोबारा देख लें ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ट्राइंगल्स कॉन्गोनेंट हो चुकी हैं, AC किसके इक्वल हो गया BC के, PC किसके कॉन्गोनेंट हो जाएगा PC के, और एक हमारी साइड रहेगी कौन सी PA किसके कॉन्गोनेंट हो जाएगा स्टूडेंट्स PB के। तो अब बगैर सोचे समझे अब आप जो कि ट्राइंगल्स कॉन्गोनेंट हो गई हैं यू कैन से दैट ट्राइंगल ACP इज कॉन्गोनेंट टू ट्राइंगल BCP। इसकी रीजन आपने लिखी SAS पास्टुलेट। नाउ PA इज कॉन्गोरेंट टू PB, PA किसके कॉन्गोनेंट हो जाएगा PB के, और आप इसकी रीजन क्या लिखेंगे करस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्गोरेंट ट्राइंगल्स।
जैसे कि आपने देखा इसकी रीजन आप क्या लिखेंगे, करस्पोंडिंग साइड ऑफ कॉन्गोरेंट ट्राइंगल, क्योंकि स्टूडेंट्स आपने साइड्स को प्रूव किया है, दैट्स वाई आप कॉन्गोरेंट साइड्स ऑफ करस्पोंडिंग साइड ऑफ कॉन्गोरेंट ट्राइंगल सीखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारा थ्योरम नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आपने देखा कि मैंने आपको कितने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। आप एक दफ़ा दोबारा इसका व्यू ले लें ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने इसको कैसे करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने स्टेटमेंट को समझना है, क्योंकि आप स्टेटमेंट को समझेंगे तो आप डायग्राम बनाने के अहल होंगे। तो आपने जैसे सुना कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, तो आपने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जिसका नाम ए बी रखा। आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जिसका नाम ए बी रखा, उसमें आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी जैसे जिसका नाम आपने एल एम रखा। आपने देखा जो ही आपने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया एल एम, उसने ए बी को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट किया। जो ही आपने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया ए बी के दो हिस्से हो गए ए सी और बी सी। उसके बाद आपने देखा कि आपने गिवन लिखा, गिवन में आपने कहा कि अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट सी सच दैट एल एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको थ्योरम के अंदर गिवन था एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, तो आपने राइट बाइसेक्टर में जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था राइट बाइसेक्टर में किसी जगह भी आप पॉइंट पी ले सकते हैं। तो आपने ऊपर पॉइंट पी ले लिया और आपने लिख दिया गिवन के अंदर पी इज एनी पॉइंट ऑन एल एम। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको प्रूव करना था, प्रूव आपको ये करना था कि वो पॉइंट जो है वो अपने एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। जैसे आप देख रहे हैं कि पॉइंट आपको नजर आ रहा पी, वो अपने एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा, पी ए से और पी बी से इक्वी डिस्टेंस होगा। आपने इक्वी डिस्टेंस आपने लिखा पी ए इज़ कॉन्गोरेंट टू पी बी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया कि आपने कंस्ट्रक्शन में आपने देखा कि जो अन याद रखिएगा ये आपने डॉटेड लाइन लगाई है। डॉटेड लाइन लगाने का मकसद होता है कि ये हमारे सवाल का हिस्सा नहीं है, ये आप अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए क्वेश्चन में आसानी पैदा करने के लिए ऐसा करें। आपने पी को ए से ज्वाइन किया और पी को बी से ज्वाइन किया। कंस्ट्रक्शन में आपने लिख दिया Join P to A and B। उसके बाद प्रूफ का सिलसिला शुरू होगा और मैंने आपको बताया कि आपने जो ही एल एम बनाया और P को A से और P को B से ज्वाइन किया तो हमारी दो ट्राइंगल्स बन गई। एक आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे ट्राइंगल है और एक राइट साइड पे है। लेफ्ट वाली साइड ट्राइंगल को मैंने आपके सामने शेड किया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इसका नाम होगा ए सी पी, मैंने बताया था सी को आपने सेंटर में लिखना है क्योंकि सी पे एंगल बन रहा है, और दूसरी ट्राइंगल का नाम बी सी पी है, सी को आपने सेंटर में लिखना है। और मैंने आपसे कहा कि आप इसको रफ वर्क में ऐसे दो ट्राइंगल्स बना सकते हैं जैसे मैंने आपके सामने बनाई हैं ए सी पी और बी सी पी। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने प्रूव किया, आपने दो ट्राइंगल्स बनाई, आपने लिखा इन ट्राइंगल ए सी पी करस्पोंडेंट्स टू ट्राइंगल बी सी पी, ए सी और बी सी जैसे कि आपको याद है गिवन में भी आपको मैं एक स्टेटमेंट गिवन आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए गिवन में आपने कहा था कि ए सी बी सी के इक्वल है, तो आपने ए सी को बी सी के इक्वल लिखा और इसकी रीज़न गिवन लिख दी। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपने राइट बाइसेक्टर बनाया था, ए एल एम जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होगा सीधी लाइन, सीधी लाइन का मतलब और सीधी लाइन का मतलब परपेंडिकुलर की वजह से ये 90 डिग्री बनेगा, तो एंगल ए सी पी और एंगल बी सी पी दोनों राइट एंगल होंगे। आपने लिख दिया ईच एंगल इज 90 डिग्री। उसके बाद जैसे कि आप दोनों ट्राइंगल्स को देख रहे हैं पी सी पी सी दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन था, तो आपने पी सी को पी सी के कॉन्गोरेंट करके रीजन में कॉमन लिख दिया। तीन चीज़ें आपको प्रूफ करनी थी, तीन चीज़ें आपने प्रूफ कर दी। नाउ यू कैन से दैट ट्राइंगल ए सी पी इज कॉन्गोरेंट टू ट्राइंगल बी सी पी। एस ए एस पास्टुलेट आपने लिखा, साइड एंगल साइड पास्टुलेट आपने लिखा। जब ट्राइंगल्स कॉन्गोरेंट होगी तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग इज कॉन्गोरेंट टू ईच एंड एवरीथिंग, तो पी ए इज कॉन्गोरेंट टू पी बी करस्पोंडिंग साइड ऑफ कॉन्गोरेंट ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स हमारा थ्योरम नंबर 1 कम्प्लीट हो गया, आइए नेक्स्ट थ्योरम को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं थ्योरम नंबर 2 जो है वो कन्वर्स ऑफ पैथागोरस, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 है। आपने सुना कि वो
पहले थ्योरम का कन्वर्स है, यानी कन्वर्स का ये मतलब होता है कि पहले थ्योरम के अंदर जो चीज़ें आपको गिवन थी दूसरे थ्योरम में आपको वो प्रूफ करनी होगी, और इस तरह पहले थ्योरम में जो आपने प्रूफ की थी प्रूफ करनी थी वो अब की बार आपको गिवन होगी। तो आइए स्टूडेंट्स हम थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट को क्वेश्चन में लिखते हैं और इसको समझते हैं। थ्योरम नंबर 2, जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी स्टेटमेंट है एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट is on the right bisector of it। ये स्टूडेंट्स आपने स्टेटमेंट लिख ली, एक दफा इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। अब की बार स्टूडेंट्स आपको थ्योरम नंबर 2 में गिवन है कि जो एंड पॉइंट है किसी भी पॉइंट्स के वो आपस में इक्वी डिस्टेंस है। आपने प्रूव करना है कि वो पॉइंट्स जो हैं वो एक राइट बाइसेक्टर बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। आइए इसकी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट्स आपको जब भी डायग्राम को ड्रॉ करना है आपने इसको पेन से ड्रॉ करना है, आपने इसको पेंसिल से ड्रॉ नहीं करना। मीन्स टू से दैट लेड पेंसिल आपने यूज़ नहीं करनी, आपने इंक पेन, ब्लू मार्कर, ब्लू पॉइंटर, जेल पेन, इनसे आपने इसको डायग्राम को ड्रॉ करना है। ये आपने याद रखना है इसको, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइए डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें गिवन है एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। इसका मतलब आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना होगा। ये मैं आपके सामने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँ जिसका नाम हम रखेंगे ए बी। अब स्टूडेंट्स इसमें एक पॉइंट गिवन है जिसका नाम पी है, और वो स्टूडेंट पी जो है वो अपने एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस, यानी पी से ए तक का फासला और पी से बी तक फासला, ये क्या है इक्वी डिस्टेंस। दोबारा देखें, पी से ए तक डिस्टेंस और पी से बी तक डिस्टेंस, ये आपस में क्या है इक्वल है। जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है, जैसे आप देख रहे हैं एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट, एक पॉइंट पी है वो इक्वी डिस्टेंस है ए से और बी से। आपको प्रूफ करना है कि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट इज ऑन राइट बाइसेक्ट। आपको बताना है कि ये जो पी है वो लाइन सेगमेंट पे क्या है राइट बाइसेक्टर बनाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपको गिवन है, ये गिवन आपको है एक लाइन सेगमेंट ए बी है, उस पर पॉइंट पी है, वो उसके जो एंड पॉइंट है पी ए और पी बी वो आपस में कॉन्गुरेंट है, इक्वी डिस्टेंस है, ये आपको गिवन है। आइए हम अपने गिवन को सबसे पहले लिखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने कहा था कि ब्लू मार्कर से आप लिखेंगे गिवन, तो सुन हमारे पास गिवन क्या है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, जैसे कि आपने देखा पॉइंट पी इज सच दैट पी ए is congruent to PB। ये स्टूडेंट्स ऊपर जो आप लाइन लगाते हैं दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। एक दफा दोबारा देखिएगा ताकि मेरी बात की समझ आ जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं गिवन क्या है AB is a line segment, point P is such that, point P ऐसी जगह पे लगा है या ऐसे लगा है, point P is such that P
पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी. आपने देखा पॉइंट पी ऐसा लगा है कि पी ए और पी बी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट. इसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ तो स्टूडेंट्स आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है पॉइंट पी इज, पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी. तो स्टूडेंट्स आपको प्रूफ क्या करना है, पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी. आपको प्रूफ करना है कि पॉइंट पी जो है वो ए बी के राइट बाइसेक्टर पर वाक्या है. इसके बाद स्टूडेंट्स आप कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, आप कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन आप क्या लिखेंगे, जॉइन पी टू सी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करना है. जैसे कि आप देख रहे हैं ये ए बी का मिड पॉइंट है, इसका नाम आपने सी रखा. ए बी का मिड पॉइंट है, उसका नाम आपने क्या रखा है, सी. उसके बाद आप क्या करेंगे, पी को डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देंगे सी के साथ. स्टूडेंट्स मैंने आपसे पहले भी कहा था ये आप कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, अपने लिए आसानी पैदा करने के लिए, थ्योरम में आसानी पैदा करने के लिए आप कंस्ट्रक्शन का सहारा लेते हैं. तो आइए स्टूडेंट्स एक दफ़ा हम इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें फीड हो जाएं. मैंने आपसे पहले भी कहा था थ्योरम याद नहीं किया जाता, थ्योरम समझा जाता है. तो हम स्टूडेंट्स थ्योरम्स को समझ रहे हैं. तो आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि गिवन क्या है हमारे पास, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट. जैसे कि आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम ए बी इज अ लाइन सेगमेंट. पॉइंट पी इज सच दैट पी ए एंड पी बी आर कॉन्ग्रुएंट. ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पॉइंट पी इज सच दैट पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी. अब आपको प्रूफ करना है कि पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी. आपने पॉइंट पी को क्या प्रूफ करना है, पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी. आपने प्रूफ करना है कि पॉइंट पी ए बी पे राइट बाइसेक्टर. उसके बाद स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन क्या है, आपने ए बी का मिड फाइंड किया सी और पी को क्या कर दिया, सी से ज्वाइन कर दिया. अब आपने बोला पॉइंट पी इज ऑन द ज्वाइन पी टू सी, आपने बोला ज्वाइन पी टू सी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा मैं आपको डायग्राम को दिखा रहा हूँ हमारी, जब आपने पी को सी से ज्वाइन किया तो हमारी दो ट्राइंगल्स बन गई. जब आपने पी को सी से ज्वाइन किया तो हमारे पास कितनी ट्राइंगल्स बन गई, दो ट्राइंगल्स बन गई. अब स्टूडेंट्स मैं आपको इन्हें शेड करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल दे. वैसे आपको नज़र आ रहा है कि एक लेफ्ट साइड वाली ट्राइंगल है और एक राइट साइड वाली ट्राइंगल है. तो आइए स्टूडेंट्स मैं आपको इसको शेड करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली नज़र आए. आइए इसको शेड करते हैं. स्टूडेंट्स आपने पेपर में शेड नहीं करना है इसको, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए शेड कर रहा हूँ. आपने बोर्ड के एग्ज़ाम में इसको शेड नहीं करना, ये सिर्फ आप सभी स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, क्योंकि आप सबका आईक्यू लेवल अभी इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इनको समझ जाए. तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही है. जैसे कि आप देख रहे हैं एक शेडिड एरिया है और एक नॉन शेडिड एरिया है. जो शेडिड एरिया है स्टूडेंट्स उसका नाम है हमारे पास ए सी पी, और जो नॉन शेडिड एरिया है उसका नाम है पी सी बी. पी सी बी या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बी सी पी. स्टूडेंट्स आपने सी को सेंटर में ही लिखना है. आप
BCB भी बोल सकते हैं और PCB भी बोल सकते हैं, जो आपको मुनासिब लगता हो आप उसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एक शेडिड एरिया है और एक नॉन शेडिड एरिया है, तो मैं इन दोनों को अलग से ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने दो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर ली हैं, शेडिड डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है इसको। स्टूडेंट्स, आपको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है। अब एक ट्राइंगल है ACP और दूसरी ट्राइंगल है BCP। तो आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अब आपको लिखना है प्रूफ। जैसे कि आपने देखा कि हमने डायग्राम को भी ड्रॉ कर दिया, उसके बाद आपने गिवन भी लिखा, कंस्ट्रक्शन भी लिखा, अब टर्न है प्रूफ की। जैसे कि आपको पता है प्रूफ के दो सेगमेंट हैं, एक आपके पास स्टेटमेंट है और एक आपके पास क्या है, रीजन। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दो सेगमेंट हैं, अपने ड्रॉ कर लिए। आइए स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास दो ट्राइंगल हैं। मैं बार बार आपको डायग्राम दिखा रहा हूं क्योंकि आप डायग्राम को देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि ना हमने क्या करना है। एक डायग्राम है ACP ट्राइंगल और दूसरी ट्राइंगल है BCP। तो आइए स्टूडेंट्स हम इनके नाम लिखते हैं। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ACP करेस्पोंडेंस ट्राइंगल BCP। ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो ट्राइंगल हैं। जैसे कि आपने लास्ट ईयर में भी देखा, हमने तीन चीज़ें प्रूव की जो हमसे प्रूव की जा सकती थी। तो लास्ट ईयर में आपने दो साइडें और एक एंगल प्रूव किया था। आइए इस थ्योरम के अंदर देखते हैं हम क्या क्या चीज़ प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप डायग्राम को देख रहे हैं, आपको गिवन है कि पॉइंट AB इज अ लाइन सेगमेंट, पॉइंट P इज सच दैट PA इज कॉन्गोरेंट टू PB। जैसे कि आपको थ्योरम के अंदर गिवन था कि PA और PB आपको कॉन्गोरेंट अवेलेबल है। जैसे कि मैं आपको स्टेटमेंट दिखा भी रहा हूँ, ये गिवन है और गिवन में आपको अवेलेबल है PA इज कॉन्गोरेंट टू PB। तो ये स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट होगी, PA इज कॉन्गोरेंट टू PB। PA is congruent to PB और ये स्टूडेंट्स आपको क्या है, गिवन है। ये स्टेटमेंट हमें क्या है, गिवन है। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल के अंदर एक साइड कॉमन है, दोनों ट्राइंगल के अंदर एक साइड कॉमन है। आप देखें PC ऐसी साइड है जो फर्स्ट ट्राइंगल में भी अवेलेबल है और सेकंड ट्राइंगल में भी अवेलेबल है। जैसे कि आप डायग्राम को भी देख रहे हैं कि PC फर्स्ट ट्राइंगल में भी अवेलेबल है और PC सेकंड ट्राइंगल में भी अवेलेबल है, जैसे कि आपने लास्ट थ्योरम के अंदर भी पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे स्टेटमेंट PC कॉन्गोरेंट है PC के, और इसकी रीजन आप क्या लिखेंगे, ये क्या है, कॉमन है। ये स्टेटमेंट क्या है, कॉमन। तो स्टूडेंट्स आपने दो साइड्स कॉन्गोरेंट कर दी। अब आप या तो एक साइड प्रूफ कर सकते हैं या एक एंगल प्रूफ कर सकते हैं, डिपेंड करता है स्टूडेंट कंडीशन पर इसका डिपेंड करना जरूरी होता है। अगर ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप एंगल फाइंड करेंगे तो हम यकीनन इसमें थर्ड एंगल ही फाइंड करेंगे। अगर कंडीशन वाइज थर्ड साइड होगी तो हम थर्ड साइड फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको याद है आपने क्या किया था, आपने P को C से ज्वाइन किया था। दोबारा मेरी बात सुनिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। ज़रा डायग्राम को दोबारा देखें, P को आपने C से ज्वाइन किया था और आपने बोला था C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ज़रा दोबारा सुने, आपने कंस्ट्रक्शन में लिखा था ज्वाइन P टू C द मिड पॉइंट ऑफ AB।
स्टूडेंट्स ये देखिएगा, मैं आपको कंस्ट्रक्शन दिखाने लगा हूँ. आपने कंस्ट्रक्शन में लिखा था जॉइन पी टू सी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो लाइन सेगमेंट ए बी का मिड है सी. तो स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट हाफ क्या होगा ए सी और सेकेंड हाफ क्या होगा बी सी. जैसे कि आपने सुना सी जो है वो लाइन सेगमेंट का क्या है, मिड है. तो ए सी और बी सी जो है वो क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी. सी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी. सो फर्स्ट हाफ ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकेंड हाफ बी सी. और आप इसकी रीजन क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन. क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन में ही बोला है कि सी जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है. तो स्टूडेंट्स आपने तीन चीज़ें प्रूव कर दी. जैसे कि मैंने आपको थ्योरम के स्टार्ट में बताया था कि कोई भी थ्योरम प्रूव करने के लिए आपको तीन चीज़ें जो है वो प्रूव करनी होती है. तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि आपने तीन चीज़ों को प्रूव कर दिया. तो यू कैन से दैट, आप यहाँ पे देयरफॉर का सिंबल लगाएंगे. स्टूडेंट्स ये सिंबल लिखना ज़रूरी है, या आप मार्कर से बनाएंगे. देयरफॉर ट्राइंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी पी. आपने देखा ट्राइंगल ए सी पी वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल बी सी पी. और ये किसके अकॉर्डिंग होगा, आप देख रहे हैं फर्स्ट भी आपने साइड प्रूफ की, सेकेंड भी साइड प्रूफ की, थर्ड भी साइड प्रूफ की. तो स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं इसको साइड साइड साइड, उसके बाद क्या लिखा है कॉन्ग्रुएंट, साइड 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 साइड. तो स्टूडेंट्स मैंने आपने देखा साइड 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 कॉन्ग्रुएंट टू साइड 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 लिखा. स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइड 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 पास्टुलेट. टेंथ यूनिट के अंदर आपने एस 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 पास्टुलेट को पढ़ा था. बेहतर यही होगा कि स्टूडेंट्स आप इसमें एस 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 कॉन्ग्रुएंट टू एस एस लिखें, मगर अगर आप एस 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 पास्टुलेट लिखना चाहें तो हम वो भी लिख सकते हैं. तो आपने देखा कि हमने थ्योरम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया. अब आप कह सकते हैं जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ईच एंड एवरीथिंग आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हैं कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यू कैन से दैट ईच एंड एवरीथिंग इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट. यू कैन से दैट ईच एंड एवरीथिंग इज कॉन्ग्रुएंट टू ईच एंड एवरीथिंग. तो आप कह सकते हैं कि एंगल ए सी पी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल बी सी पी के. स्टूडेंट्स हमारे पास एक ही एंगल है इस ट्राइंगल के अंदर. जैसे कि आप डायग्राम को देख रहे हैं, आप डायग्राम को जैसे कि देख रहे हैं, आप डायग्राम को देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक एंगल इसके अंदर अवेलेबल है, उसका नाम है एंगल ए सी पी और दूसरा नाम है एंगल बी सी पी. स्टूडेंट्स एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी पी. आप इसकी रीजन क्या लिखेंगे, करस्पोंडिंग करस्पोंडिंग कॉन्ग्रुएंट करस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. दोबारा देखिएगा, आप इसकी रीजन क्या लिखेंगे, करस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. तो स्टूडेंट्स अभी आपने प्रूव किया है कि एंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट होता है एंगल बी सी पी के. मगर स्टूडेंट्स आपको प्रूव करना है कि ये एंगल जो है वो बायसेक्टर बनाता है, वो एंगल जो है वो बायसेक्टर है, बाय राइट बाय सेक्टर है ए बी पर. तो आइए स्टूडेंट्स इसको आगे परफॉर्म करते हैं. अब आपको थोड़ी समझने की ज़रूरत है, अब आपका मुश्किल काम जो है वो शुरू हुआ चाहता है. तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं ये एक सीधी लाइन है, तो ये भी एक 90 डिग्री बनेगा, और आप देख रहे हैं ये भी एक सीधी लाइन है और ये भी क्या बनेगा 90 डिग्री. आप कह सकते हैं एंगल ए सी पी ये भी 90 डिग्री है और एंगल बी सी पी ये भी क्या है 90 डिग्री है. तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए सी पी प्लस एंगल
बी सी पी दोनों को प्लस करें तो 180 बनता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंगल ए सी पी और एंगल बी सी पी दोनों ही 90-90 हैं, दोनों को प्लस करें तो कितना हो जाएगा 180। यू नो दैट वो एंगल्स जिनका सम 180 हो उन्हें हम कौन से एंगल बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो आप इसकी रीजन लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि मैंने पहले भी बताया वो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री है उन्हें आप कौन से एंगल बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये दोनों को प्लस करें तो ये 180 होगा, अगर आप दोनों का हाफ कर दें तो कितने कितने हो जाएंगे दोनों 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए सी पी इक्वल है एंगल बी सी पी और ये दोनों इक्वल किसके हैं 90 डिग्री के, दोनों किसके इक्वल हैं 90 डिग्री के। तो स्टूडेंट्स आपने प्रूव कर लिया कि एंगल ए सी पी और एंगल बी सी पी जो है वो 90 डिग्री हैं। अगर आप स्टूडेंट्स डायग्राम को देखें तो पी सी ए सी पे क्या बनेगा, अब परपेंडिकुलर। दोबारा देखें पी सी ए बी पर क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। क्यों परपेंडिकुलर बनेगा, बिकॉज यू हैव प्रूव दैट एंगल ए सी पी एंड एंगल बी सी पी इज 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री होगा तो यू नो दैट ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। अब आप कह सकते हैं पी सी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या लिखेंगे, अब आप इसको लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे पी सी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, पी सी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। अब आप इसकी रीजन क्या लिखेंगे, एंगल ए सी पी इज 90 डिग्री। अब आप एंगल ए सी पी इज 90 डिग्री बोल सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप इसको थोड़ा मजीद सॉल्व करेंगे। आप कह सकते हैं कि ए सी कॉन्गोरेंट है बी सी के, या प्रूफ कर चुके हैं ये आपने कंस्ट्रक्शन के अंदर किया था जैसे कि आपको याद होगा। अब स्टूडेंट्स आपने प्रूव कर दिया कि पी सी परपेंडिकुलर है ए बी पे, यू कैन से दैट देयरफॉर यू कैन से दैट पी सी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, पी सी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी which means that the point P is on the right bisector of AB। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपने प्रूव किया जब पी सी परपेंडिकुलर है ए बी पे तो आपने कहा पी सी राइट बाय सेक्टर बना ए बी पे, जिसका मतलब होगा कि पॉइंट पी जो है वो ए बी का क्या है, राइट बाय सेक्टर। तो ये स्टूडेंट्स हमारा थ्योरम कंप्लीट हो गया। आइए हम एक दफ़ा इसका रिव्यू लें ताकि आपको इस थ्योरम की बेहतर समझ आ सके। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये 6 थ्योरम है स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर और 6 के 6 इंपॉर्टेंट है। आप किसी एक थ्योरम को भी माइनर कंसीडर नहीं कर सकते बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नंबर ऑफ टाइम बारी बारी ये थ्योरम्स पेपर में आ चुके हैं। तो आइए स्टूडेंट्स थ्योरम नंबर 2 का रिव्यू लेते हैं। जैसे कि आप इसकी स्टेटमेंट थ्योरम की स्टेटमेंट देख रहे हैं जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, पेपर में जस्ट थ्योरम की स्टेटमेंट आपको आएगी, रिटन स्टेटमेंट अवेलेबल होगी। स्टूडेंट्स आपको थ्योरम की स्टेटमेंट को पढ़ना होगा, समझना होगा, डिसाइड करना होगा कि ये किस थ्योरम की स्टेटमेंट है। उसके बाद आपको डायग्राम ड्रॉ करनी होगी और फिर डायग्राम के बिहाव पे सारा थ्योरम आपको लिखना होगा। स्टूडेंट्स मैंने आपको नंबर ऑफ टाइम बताया कि डायग्राम आपको स्टार्ट में ड्रॉ करनी है, लास्ट पे ड्रॉ नहीं करनी। तो आइए थ्योरम का रिव्यू लेते हैं। एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। जैसे कि आपने सुना कि एक पॉइंट जो है वो इक्विडिस्टेंस है अपने एंड पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट पे, आपने प्रूव करना है वो पॉइंट राइट बाइसेक्टर। तो आपने क्या किया स्टूडेंट, सबसे पहले
ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया और एक पॉइंट लिया पी, और आपने देखा पी से एंड पॉइंट बनेगा पी ए और पी से दूसरा एंड पॉइंट बनेगा पी बी। तो आपने कहा गिवन क्या है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पॉइंट पी इज सच दैट पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी, आपने ये लिखा। उसके बाद आपको प्रूफ करना है कि पॉइंट पी जो है वो राइट बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट ए बी पे। तो आपने लिखा पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया स्टूडेंट्स, आपने ए बी का मिड पॉइंट सी फाइंड किया और पी को सी से ज्वाइन कर दिया। आप लिखा ज्वाइन पी टू सी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। उसके बाद प्रूफ का सिलसिला शुरू हुआ। प्रूफ के दो सेगमेंट हैं, स्टेटमेंट और रीजन। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने दो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर ली। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक शेडेड पोर्शन है और एक नॉन शेडेड पोर्शन है। दो ट्राइंगल्स बनेगी ए सी पी और बी सी पी। तो स्टूडेंट्स आपने लिखा इन ट्राइंगल ए सी पी करस्पोंडेंट्स ट्राइंगल बी सी पी। आपने पी ए को कॉन्कोरेंट प्रूफ किया पी बी के, ये आपको गिवन था। जैसे कि आपको याद है कि पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी, ये आपको गिवन अवेलेबल था। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने देखा दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आप देख रहे हैं पी सी और पी सी कॉमन था। तो स्टूडेंट्स आपने लिखा पी सी पी सी के कॉन्ग्रुएंट और रीजन आपने कॉमन लिखी। उसके बाद आपने जैसे कि कंस्ट्रक्शन में कहा था कि सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और आपको याद होगा जब आप मिड पॉइंट कंसिडर करेंगे तो ए बी के दो पार्ट बन जाएंगे ए सी और बी सी, और ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। आपने कहा ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी और ये कंस्ट्रक्शन होगा। उसके बाद जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे यू कैन से दैट ट्राइंगल। आपने देखा तीन चीज़ें हमने प्रूव कर दी, तीनों ही साइड्स प्रूव की। तो ट्राइंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी पी, और इसकी रीज़न आपने लिखी एस 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 मीन्स साइड 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 इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड, और मैंने आपसे कहा था साइड 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 पास्टुलेट भी लिखा जा सकता है। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी यू कैन से दैट ईच एंड एवरीथिंग इज कॉन्ग्रुएंट टू ईच एंड एवरीथिंग। तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं एंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी पी, करस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब आपने देखा जैसे कि मैं आपको डायग्राम दोबारा दिखाता हूँ कि ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का, क्योंकि सीधी लाइन आपने बनाई थी। तो आप कह सकते हैं एंगल ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी, ये भी 90, दोनों को प्लस करें तो स्टूडेंट्स कितना आंसर आएगा, 180। तो आपने लिखा एंगल ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी वो 180 के इक्वल होगा, और आप इसकी रीज़न क्या लिखेंगे, जैसे कि आपको पता है वो एंगल्स जिसका सम 180 डिग्री हो उन्हें आप सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। एंगल दोनों का सम 180 है, दोनों को हाफ ऑफ कर दें यानी ए सी पी और एंगल बी सी पी को हाफ कर दें तो ये 90 डिग्री होगी। जब ये प्रूव हो जाएगा कि एंगल ACP और एंगल BCP 90 डिग्री है तो आप कह सकते हैं कि PC जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे, बिकॉज 90 डिग्री ही परपेंडिकुलर बनाता है। जैसे कि आपने इसकी रीजन लिखी एंगल ACP इज 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स उसके बाद आपने कहा कि AC और BC भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सो PC इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, देन पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा थ्योरम नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आइए स्टूडेंट्स हम बुक पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट को डिस्कस कर लें। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये समझने वाला है आपका, ये समझने वाले हैं पॉइंट्स हैं। ऑब्जर्व दैट, जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ ऑब्जर्व दैट। तो स्टूडेंट्स देखिएगा मैं आपको इसमें पढ़कर सुनाने लगा हूँ और कुछ बातें जरूरी समझाने लगा हूँ, आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है और समझना है। ये देखिएगा लिखा है द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ एक्यूट एंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इन साइड द ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स आपने देखा अगर आप राइट बाइसेक्टर बनाएं साइड के, और किस ट्राइंगल के बनाएंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल के, तो वो बाइसेक्टर कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, इन साइड ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर इंटरसेक्ट करेंगे। ट्राइंगल के कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, इनसाइड। तो एक दफा दोबारा देखते हैं द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इनसाइड द ट्राइंगल। इसके बाद स्टूडेंट दूसरी स्टेटमेंट देख रहे हैं द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर
ऑन द हाइपोटेन्यूज. जैसे आपने देखा, अगर आप राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें साइड्स के, किस ट्राइंगल के, राइट एंगल ट्राइंगल के, तो वो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, हाइपोटेन्यूज पर. स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, आप इसको स्टार्ट में लिख लें, मैं चलें आपकी मदद कर देता हूँ, मैं भी ऊपर मेंशन कर देता हूँ, इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, इसको आप लिखेंगे इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज. आपने देखा द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन हाइपोटेन्यूज. इसके बाद स्टूडेंट्स हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ एन अब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर आउटसाइड द ट्राइंगल. स्टूडेंट्स आपको इस चीज़ का आइडिया है, एक्यूट एंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जो जिसके एंगल लेस देन 90 डिग्री होंगे. राइट एंगल जिसका एंगल 90 के इक्वल हो, अब्ट्यूज एंगल जिसका एंगल 90 से बड़ा हो. तो देखिएगा द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर आउटसाइड द ट्राइंगल. तो ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको फॉर एमसीक्यूज हाईलाइट करवा दिए. आप भी स्टूडेंट्स इन्हें अंडरलाइन कर लीजिएगा. और जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने एक लाइन में ऑलमोस्ट चार वर्ड्स को अंडरलाइन किया, तो आप ज़हन में रखिएगा ये चारों मिस होकर नहीं आ सकते. इन चारों में से कोई एक वर्ड मिस होकर एज एमसीक्यू आपको आएगा. तो स्टूडेंट जितनी भी पॉसिबिलिटीज अवेलेबल थी वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी. आइए हम नेक्स्ट थ्योरम को डिस्कस करते हैं. थ्योरम नंबर 3. थ्योरम नंबर 3 स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. लास्ट पास्ट ईयर मीन्स टू से दैट 2018 और 2019 के एग्जाम्स के अंदर ये थ्योरम पेपर में आ चुका है, इसलिए आपको इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना है. तो आइए स्टूडेंट्स इसको डिस्कस करते हैं. जैसे कि आप इसकी स्टेटमेंट देख रहे हैं द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ a triangle are concurrent. तो स्टूडेंट्स आपने देखा थ्योरम नंबर 3 की स्टेटमेंट है द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल आर कनकरेंट. आपको प्रूफ करना है कि अगर आप एक ट्राइंगल के सभी साइड के राइट बाइसेक्टर बनाए, यानी तीनों साइड्स के बाइसेक्टर बनाए, तो वो तीनों पॉइंट कनकरेंट है. स्टूडेंट्स आपको याद है, वैसे मैं एक दफ़ा दोबारा याद करवा देता हूँ ये कनकरेंट क्या चीज़ थी, और एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा ताकि आपको याद आ जाए. लास्ट यूनिट के अंदर भी हमने इसको डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके. मैंने बताया था अगर दो लाइंस एक पॉइंट पे मैच करें, आप देख रहे हैं दो लाइंस हैं एक पॉइंट पे मैच कर रही हैं, दो लाइंस एक पॉइंट पे मैच कर रही हैं, इस मैचिंग को आप बोलते हैं इंटरसेक्ट करना. दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग, इसको हम इंटरसेक्टिंग बोलेंगे. इस तरह दो लाइंस अगर एक पॉइंट पे मैच करें दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग. अगर तीन लाइंस या तीन से ज्यादा, थ्री और मोर देन थ्री लाइंस मैच एट अ पॉइंट, तीन या तीन से ज्यादा लाइनें अगर एक पॉइंट पे मैच करें इसको हम बोलते हैं कंकरेंट.
जी स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? कंकरेंट। याद रखिएगा इंटरसेक्ट क्या चीज़ होती है और कंकरेंट क्या चीज़ होती है। बच्चों को यही नहीं पता होता इंटरसेक्ट क्या है कंकरेंट क्या है, वो अपनी मर्जी से जिसको मर्जी कंकरेंट और जिसको मर्जी इंटरसेक्टिंग कह लेते हैं। मगर आपको स्टूडेंट्स रूल्स को फॉलो करना, तो ये कंकरेंट है। तीन या तीन से ज़्यादा लाइन्स, ये पाँच लाइन, छः लाइन, दस लाइन भी, अगर पंद्रह लाइन भी स्टूडेंट्स एक पॉइंट पर मैच करें तो इन्हें आप कंकरेंट ही बोलेंगे। आइए थ्योरम को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपने देखा द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट, इसका मतलब आपको एक ट्राइंगल बनानी पड़ेगी सबसे पहले तो, क्योंकि गिवन है। तो आइए एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। अब देख रहे हैं मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दी, इसका हम नाम रख लेते हैं स्टूडेंट्स ए बी सी। अब स्टूडेंट्स राइट बाइसेक्टर जो साइड के हैं वो आपको कंकरेंट प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहला सवाल है आपको गिवन क्या है, तो आइए हम स्टेट ब्लू मार्कर से हेडिंग लिखेंगे गिवन। तो स्टूडेंट्स आपके पास गिवन अवेलेबल है ट्राइंगल, आपके पास गिवन क्या अवेलेबल है ट्राइंगल ए बी सी। अब स्टूडेंट जो गिवन है वो आपके पास क्या है ट्राइंगल ए बी सी, ये गिवन है। आप सोच रहे हैं कि हमने लास्ट थ्योरम में इतना लंबा पढ़ा तो इसमें छोटा है, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर इतना ही गिवन होगा ट्राइंगल ए बी सी। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आइए देखते हैं प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ, तो स्टूडेंट्स आपको प्रूफ करना है द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स हमारी ट्राइंगल की पहली साइड का नाम है ए बी, दूसरी साइड का नाम है बी सी एंड सी ए आर कंकरेंट। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में आपको गिवन था द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट, इसमें साइड का जिक्र किया। तो स्टूडेंट्स आपने जब प्रूव टू प्रूव लिखा उसमें आपने साइड की बजाय साइड्स के नाम लिख दिए, यानी जो ट्राइंगल की साइड्स के नाम थे वो आपने लिख दिए। जैसे कि आपको पता है ट्राइंगल की फर्स्ट साइड का नाम है ए बी, ट्राइंगल की सेकेंड साइड का नाम है बी सी और ट्राइंगल की थर्ड साइड का नाम है ए सी। तो आपने लिखा द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये फर्स्ट साइड है, बी सी ये सेकेंड साइड है एंड सी ए ये थर्ड साइड है आर कंकरेंट। आपको प्रूफ करना है द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए आर कंकरेंट। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन इसमें हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, जैसे कि आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन क्या है स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ड्रॉ राइट बाइसेक्टर्स बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी। स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, कोई से दो साइडों के राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर ले। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने दो साइडों के बाइसेक्टर लिखे और इसके इसमें ए बी और बी सी लिखा। आइए सबसे पहले डायग्राम में भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। हम बाइसेक्टर्स बनाने लगे हैं स्टूडेंट्स, ये आपके पास ए बी साइड है, आप इसका ए बी का बाइसेक्टर बना देंगे। ये आप देख रहे हैं ये मैंने डॉटेड लाइन से बाइसेक्टर बना दिया। और स्टूडेंट्स अब आपको किसका बाइसेक्टर बनाना है, जैसे कि आप देखें आपने लिखा है ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। आपने देखा कि हम ए बी का बाइसेक्टर बना चुके हैं, अब टर्न है बी सी का बाइसेक्टर बनाने की, आइए उसको भी ड्रॉ करते हैं। आप देख रहे हैं ये मैं आपके सामने बी सी का भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ।
आपने देखा मैंने बी सी का भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। आपने देखा ये दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगे, इंटरसेक्ट होंगे, उसका नाम हम क्या रख देंगे, ओ। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी विच मीट, स्टूडेंट्स आप इंटरसेक्ट भी लिख सकते हैं, विच मीट एट पॉइंट ओ, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, विच मीट एट पॉइंट ओ। आपने देखा कि वो दोनों ओ पे इंटरसेक्ट करेंगे, इसके बाद ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपने ओ को किससे ज्वाइन करना है, ए से, बी से और सी से। तो स्टूडेंट्स मैं आपके सामने इसको ओ को बी से, ए से और सी से ज्वाइन करूंगा, तो आइए इसको देखते हैं। ये देखिएगा ओ को हम बी से ज्वाइन करें, ये मैंने कलर चेंज किया ताकि आपको नजर आए। ओ को सी से ज्वाइन करेंगे, ओ को ए से ज्वाइन करेंगे, ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने तीनों लाइंस को ज्वाइन कर दिया, ओ को ए से, ओ को बी से, ओ को सी से। आइए एक दफा दोबारा थ्योरम को देखते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा। जैसे कि आप स्टूडेंट देख रहे हैं थ्योरम नंबर 3 है, थ्योरम की स्टेटमेंट थी द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट। आपने क्या किया, गिवन आपको अवेलेबल है ट्राइंगल एबीसी, प्रूव आपको क्या करना है द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड एबी, साइड बीसी एंड साइड सीए आर कंकरेंट। कंस्ट्रक्शन में आपने सबसे इंपॉर्टेंट वर्क परफॉर्म किया, ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी विच मीट एट पॉइंट ओ, ज्वाइन ओ टू द ए पॉइंट ए बी एंड सी। तो स्टूडेंट्स हमारा 4 नंबर का थ्योरम कंप्लीट हो गया, इसमें एक नंबर डायग्राम का, एक नंबर गिवन का, एक नंबर प्रूफ का, एक नंबर कंस्ट्रक्शन का। तो स्टूडेंट्स हम अपने बाकी 4 नंबर की तरफ चलते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है प्रूफ आपको करना है और आप देख रहे हैं प्रूफ की, प्रूफ के 2 सेगमेंट हैं, द फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट एंड द सेकेंड वन इज रीजंस। तो स्टूडेंट्स हम इन्हें सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले डायग्राम को देखते हैं। अब मैं आपको बताता चलूं, पॉइंट ओ जो है वो स्टूडेंट्स सेंटर वाला पॉइंट है, पॉइंट ओ सेंटर वाला पॉइंट है। O से लेके A तक डिस्टेंस, O से लेके B तक डिस्टेंस, O से लेके C तक डिस्टेंस, स्टूडेंट्स ये इक्वल है। दोबारा सुनिएगा, O जो है वो तीनों पॉइंट्स का सेंटर वाला डिस्टेंस है, और O से A तक डिस्टेंस, O से B तक, O से C तक, ये तीनों सेम डिस्टेंस होगा, इनका इक्वल डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर पर बने हैं। तो आइए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं आपके सामने 3 पॉइंट्स हैं, 2 का जिक्र शुरू करूंगा, मैं बोलूंगा ओ ए इज कॉन्गुरेंट ओ बी। तो स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे ओ ए इज कॉन्गुरेंट टू ओ बी, और आप इसको रीजन क्या लिखेंगे, ईच पॉइंट ऑन द राइट bisector of a line segment is equidistant from its end points, from its end point। इस इतनी लंबी रीजन स्टूडेंट्स आपको इसकी देनी है, ओ बी के, ओ ए ओ बी के कॉन्गुरेंट है बिकॉज ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट।
तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको सेंटर में भी बताया था कि ये पॉइंट राइट बाय सेक्टर, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये पॉइंट राइट बाय सेक्टर से है, इससे जितने भी आप लाइंस बनाएंगे ओ ए ओ बी ओ सी वो आपस में कॉन्गोरेंट होंगे। ओ ए कॉन्गोरेंट होगा ओ सी के, इस तरह ओ बी कॉन्गोरेंट होगा ओ सी के, इस तरह ओ सी कॉन्गोरेंट होगा ओ ए के। तो स्टूडेंट्स आइए इनको भी डिस्कस करते हैं, बाकी चीज़ों को भी। आप इसको लेबल करेंगे इक्वेशन नंबर वन, इसको आपने लेबल किया इक्वेशन नंबर वन। तो स्टूडेंट्स ओ ए को ओ बी के इक्वल आपने किया, अब स्टूडेंट्स टर्न है ओ बी को कॉन्गोरेंट करें ओ सी के। तो स्टूडेंट्स ओ ए ओ बी के कॉन्गोरेंट होगा, ओ बी ओ सी के कॉन्गोरेंट होगा, इसको आप लेबल करेंगे इक्वेशन नंबर टू। और स्टूडेंट्स आप यहां पे इसकी रीजन लिखेंगे एज इक्वेशन वन। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपको ये जो स्टेटमेंट लिखी है ईच पॉइंट ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट एंड पॉइंट, ये दोबारा लिखनी पड़ेगी। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि ओ जो है वो सेंटर पॉइंट है, ओ ए ओ बी के इक्वल है, ये आपने प्रूव कर दिया। ओ सी ओ बी ओ सी के इक्वल है, ये भी आप प्रूव कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स आखिरी पॉइंट हमारे पास रह गया ओ ए किसके कॉन्गोरेंट है, ओ सी के, इसको कॉन्गोरेंट करना बाकी रह गया। आइए इसको भी कॉन्गोरेंट करते हैं। आप जिसे देख रहे हैं ओ ए कॉन्गोरेंट होगा ओ सी के, आप इसकी रीजन लिखेंगे इसको ओ ए कॉन्गोरेंट होगा ओ सी के, इसको लेबल करेंगे इक्वेशन नंबर थ्री। और रीजन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, रीजन आपने क्या लिखी फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। स्टूडेंट्स आपने तीनों पॉइंट्स को कॉन्गोरेंट प्रूफ कर दिया, अब आप कह सकते हैं यू कैन से दैट नाउ पॉइंट ओ इज ऑन, पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ सी ए। आपको याद होगा स्टूडेंट्स हमने दो पॉइंट का डिस्टेंस, दो पॉइंट का राइट बाय सेक्टर बनाया था। जैसे आप कंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं, जरा एक दफा दोबारा देखें, ड्रा राइट बाय सेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। आपको याद है आपने दो पॉइंट का राइट बाय सेक्टर बनाया था, तीसरे का नहीं था बनाया। तो अब आपने देखा कि हमने प्रूव कर लिया कि पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ सी ए। इसके बाद आप बोल सकते हैं बट पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। जैसे कि आपने कहा कि पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ ए बी, लेकिन आप साथ ये भी कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट ओ है, आप पहले क्या कहते हैं कि पॉइंट ओ जो है वो सी ए का बायसेक्टर बनता है, मगर आप साथ ये भी कह रहे हैं कि पॉइंट ओ जो है वो बायसेक्टर ए बी का है और बी सी का भी है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पॉइंट ओ जो है वो तीनों पॉइंट्स ए बी बी सी और सी ए का राइट बायसेक्टर है। जैसे दोबारा देखिएगा, आपने कहा कि पॉइंट ओ जो है वो राइट बायसेक्टर है सी ए का। अब देख रहे हैं पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ सी ए, और साथ आप ये भी कहते हैं कि बट पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि पॉइंट ओ जो है वो बाय सेक्टर है ए बी का, राइट बाय सेक्टर है बी सी का, राइट बाय सेक्टर है सी ए का। इसका मतलब हो गया पॉइंट ओ जो है वो तीनों पॉइंट्स का बाय सेक्टर है। नाउ यू कैन से दैट हेंस the right bisector of three sides
of a triangle are concurrent. और कंकरेंट, ये स्टूडेंट्स आपने कैसे कंकरेंट प्रूव कर दिया? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पॉइंट ओ है वो राइट बाइसेक्टर सी ए का है, और आपने साथ ये भी बताया कि पॉइंट ओ जो है वो राइट बाइसेक्टर ए बी और बी सी का है. इस तरह आप कह सकते हैं कि पॉइंट ओ तीनों साइड ए बी बी सी और सी ए का राइट बाइसेक्टर है. इसलिए आप कह सकते हैं द पॉइंट, इसलिए कह सकते हैं द राइट बाइसेक्टर ऑफ थ्री साइड ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट, क्योंकि तीनों पॉइंट का एक ही राइट बाइसेक्टर है. और वो कौन सा राइट बाइसेक्टर है? एट ओ. आप कह सकते हैं हेंस द राइट बाइसेक्टर ऑफ थ्री साइड ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट एट ओ. एट ओ तीनों साइड्स का राइट बाइसेक्टर जो है वो कौन सा बनता है? वो पॉइंट ओ बनता है. तो स्टूडेंट्स हमारा ये थ्योरम भी कंप्लीट हो गया. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.